ए भैया, रात का मौसम देखो ना, बारिश के साथ कितना प्यारा लग रहा है। ओए हाँ मुन्ना, रात का मौसम तो बारिश के साथ बहुत अच्छा लगता है माइनक्राफ्ट में। हाँ यार भैया, भैया मैं सोच रहा हूँ ना कि कल ना भैया हम लोग ना एक होटल में स्टे करने जाते हैं। वहाँ पे स्विमिंग पूल है, पूरा मॉडर्न होटल है भैया। मुन्ना फ्रिज में कुछ रखा है क्या भैया? कुछ नहीं रखा है, छोड़ो ना। ओए हाँ मुन्ना, और मुन्ना ये देख क्रीपर। हे भैया क्रीपर कुछ नहीं कहेगा, चलो भैया सोफा में बैठते हैं। और मुन्ना तूने ही तो कहा कल। और ये क्या बिजली कड़क रही है? हाँ भैया यार वो सब छोड़ो, लेकिन भैया यार हम चलते हैं ना कल कहीं घूमने। और मुन्ना होटल में स्टे करेंगे और वहाँ पे मुन्ना स्विमिंग पूल वगैरह में नहाएंगे और कहीं पे जंगल वगैरह में घूमेंगे। हाँ भैया आपका आइडिया तो सही है, चलो भैया मैं होटल को बुक कर देता हूँ जल्दी से। और मुन्ना जल्दी से होटल बुक कर दे। हाँ यार भैया हम जल्दी से मैं होटल बुक कर लेता हूँ। हे भैया ये वाला होटल कैसा है? और मुन्ना ये वाला बढ़िया है, इसी को बुक कर दे। हाँ भैया इसको मैंने बुक कर दिया है, चलो भैया कल सुबह चलेंगे इस वाले होटल में। है ये क्या भैया? मेरी गेमिंग चेयर तो आसमान में चली गई। रुको इसको नीचे उतारता हूँ, बस हो गया काम। अब भैया चलो हम लोग सो जाते हैं, कल सुबह चलेंगे उस वाले होटल पर। और चल ठीक है मुन्ना, चल सो जाते हैं। गुड नाइट। ए गुड नाइट। ए भैया गुड मॉर्निंग हो गई, जल्दी से उठ जाइए। और मुन्ना चल मुन्ना फाइनली होटल में जा पाएंगे। हाँ भैया होटल नहीं हॉस्टल। और मुन्ना जो भी है थोड़ा सा सामान ले ले। हाँ भैया यार मैं सामान लेना भूल ही गया, चलो बैरल से उठा लेता हूँ सामान। चलो दोस्तों सामान लेके आपसे मिलते हैं सीधा होटल पर। ए तो दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ होटल में पहुँच चुके हैं यार। और मुन्ना ये देख कितना बढ़िया होटल है, कितना बड़ा होटल है। हाँ यार दोस्तों ये देखो यार, शाम भी होने वाली है लगता है। ओए हाँ मुन्ना शाम भी होने वाली है, पहुँचते पहुँचते तो शाम ही हो गई। चलो दोस्तों चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। हाँ यार दोस्तों ये देखो, और मुन्ना यहाँ का रिसेप्शनिस्ट कहाँ गया पता नहीं भैया। और मुन्ना चल ढूंढते हैं उसे कहाँ गया। और ये रहा। हेलो सर, आप सभी का स्वागत है द ब्रेक इन होटल में। और ये होटल तो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा भी है। अरे हाँ सर, हमें पता है ये होटल बहुत बड़ा और अच्छा है, इसलिए तो इसको आज तक का नंबर वन होटल माना गया है। आप लोग यहाँ पर स्विमिंग कर सकते हैं, खेल सकते हैं और जंगल में घूम भी सकते हैं। आपकी जो मर्जी आप करिए, यहाँ पर आपको कोई रोकेगा नहीं टोकेगा नहीं। और ये होटल भी बहुत बड़ा है, चलिए मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। ओए अभी नहीं, अभी तो मेरे को होटल में घूमना है। अभी रात हो रही है तो आप रेस्ट कर लीजिए, चलिए ऊपर जाकर रूम नंबर वन आपका है। ओए चल ठीक है मुन्ना, चलते हैं जल्दी से, पहले रेस्ट करेंगे फिर अगली सुबह सारे मजे करेंगे। ओए मुन्ना चल जल्दी से, अपना रूम कहाँ है? हे रूम नंबर वन शायद से यही है भैया। और क्या बात है मुन्ना, क्या कमरा है हमारा। हाँ भैया देखो ना कितना बड़ा बाथरूम, कितनी बड़ी बालकनी, यहाँ पानी भी है भैया। और मजा आ गया मुन्ना, ये देख बाहर का नजारा भी कितना अच्छा है। हाँ भैया चलो जाकर सो जाते हैं, अभी रात हो रही है। और चल ठीक है मुन्ना, गुड नाइट। हे गुड नाइट भैया। और मुन्ना जल्दी से चल, सुबह हो चुकी है। हाँ भैया यार आज तो हमें घूमना है, पूरा जंगल घूमेंगे, नहाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे। और हाँ मुन्ना चल मुन्ना उस रिसेप्शनिस्ट से मिलते हैं। हाँ भैया उस रिसेप्शनिस्ट से मिलते हैं। ए कहाँ गया रिसेप्शनिस्ट? क्या हुआ सर, आज सुबह हो चुकी है तो सर आप जंगल वगैरह में घूमने जा सकते हो। और हमें पता है, हमें मत सिखलाए दे। सबसे पहले आप एक काम करिए, आप वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आपका खाना मैं पहुँचा दूंगा। और जरूरत नहीं, हमारे पास ब्रेड है, हम खाने के लिए लाए थे। तो ठीक है सर, आप उसे खा सकते हैं। सर अब आप नहा सकते हैं, पूरे जंगल घूम सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। और सिक्योरिटी का क्या है? सिक्योरिटी भी आपके साथ साथ चलेगी। और मैंने चल ठीक है चलते हैं। हाँ भैया यार चलो सबसे पहले नहा लेते हैं यार। ए यहाँ से देखो भैया रास्ता है। और ये क्या है? हे भैया ये तो झरना जा रहा है। ओए मुन्ने चल जल्दी से आगे चलते हैं। और वो क्या है? और ये तो मकड़ी है। हे भैया इन्हीं के लिए तो मैं ये डंडा लाया हूँ, ये मकड़ियों को भगाने के लिए। हट जाए यहाँ से। ए कैसा होटल है, मकड़ियाँ घूम रही है, मारो भैया इसे। और मुन्ना हम ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, क्या पता हमें होटल से निकाल दे, मुन्ना मॉब्स तो आते रहते हैं। हाँ भैया यार इनको आप मार दीजिए। और ये निकाल ले। हाँ भैया यार ये तो मर गई, चलो भैया इसको जल्दी से फेंका हुआ सारा सामान इन्वेंटरी में रख लेते हैं। और हाँ मुन्ना चल अब यहाँ से नहाएंगे। हाँ भैया यार यहाँ पे नहाएंगे यार। और ये क्या है? हे भैया ये तो फुटबॉल ग्राउंड लगता है। और हाँ मुन्ना ये तो फुटबॉल ग्राउंड लगता है। चल मुन्ना, और ये देख मुन्ना यहाँ से तो स्लाइड है। हाँ भैया ये तो स्लाइड है, यहाँ से स्लाइड करते हुए हम यहाँ पर नहाने आ सकते हैं। और ये देख मुन्ना कितना बढ़िया है। हाँ भैया चलो यहाँ से चलते हैं, 1 2 3। और ये देख मुन्ना कितना मज़ा आया है ना भैया। और हाँ मुन्ना चल बहुत मज़ा आया इस वाली वीडियो में तो। हे भैया वीडियो में नहीं यार, स्विमिंग पूल में। और जो भी है ये देख मुन्ना नहाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ भैया यार नहाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, छोटे वाले स्विमिंग पूल भी है भैया इधर। इधर भैया हम रेस्ट भी कर सकते हैं, और ये तो बहुत बढ़िया बात है। और ये क्या है? हे भैया ये तो कोई छोटा सा पॉन्ड लगता है। और हाँ मुन्ना ये तो कोई छोटा सा पॉन्ड है। और ये देखो मुन्ना टीवी। हाँ भैया यार ये तो टीवी है। ये क्या, ये पिग इधर क्या कर रहा है? और ये पिग क्या कहना चाह रहा है?
और मुझे तो अपनी ही भाषा बोलेगा। और ये देख फिर से बोला, हे भैया चलो यार छोड़ो चलते हैं हम यहाँ से। और मैंने चल ठीक है अब जंगल घूम के आते हैं। हाँ यार दोस्तों जंगल घूम के आते हैं अब यार जल्दी से चलो भैया। और मैंने चल तो रहा हूँ भाई कहाँ से रास्ता है। चल मुन्ना पहले रिसेप्शनिस्ट से बात कर लेते हैं। हाँ भैया पहले उससे बात करनी पड़ेगी। हे रिसेप्शनिस्ट। क्या हुआ सर? है यार हमें जंगल घूमना है, हमारे पीछे एक सिक्योरिटी लगा दो। ठीक है सर आप बाहर जाएंगे, मैं सिक्योरिटी को भेजता हूँ। और चल ठीक है मुन्ना जल्दी से बाहर चलते हैं। हाँ भैया चलो बाहर आ गए। चलो दोस्तों अब जंगल में घूम के आते हैं। ओए मुन्ना घूम घूम के तो मैं थक चुका हूँ। और ये क्या फिर इधर गिर गया। हे भैया रुको मैं जंप मारता हूँ। ये ले कैसी थी जंप? और मुन्ना क्या जंप थी। हे यार भैया घूम घूम के पूरा थक गया, नशे होने लगे हैं। और मुन्ना मुझे भी नशे होने लगे हैं। चल मुन्ना जल्दी से ऊपर चल के सो जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट से पहले बात कर लेते हैं। कहाँ गया? हे भैया इस वाले रूम में रहता है यार। हेलो सर लगता है आपने घूम लिया है। ओए हाँ हमने घूम लिया बहुत मजे से। ओए चलो मुन्ना अब जाकर सो जाते हैं। हाँ भैया यार बहुत नींद आ रही है यार, चलो जाकर सो जाते हैं। ओए चल मुन्ना। है देखो भैया रूम में भी आ गए यार। ओए हाँ मुन्ना। ओए मैं तो सीधा टपक जाऊंगा। हाँ भैया यार मैं भी सीधा टपक जाऊंगा यार। ओए मुन्ना ये क्या हो रहा है, बाहर कैसी आवाज आ रही है। हे भैया लगता है ज़ॉम्बी होगा यार। ओए हाँ मुन्ना चलो दोस्तों हम सो जाते हैं। हाँ यार दोस्तों सो जाते हैं यार। नींद खुल गई यार पूरी, सुसू आ रहा है यार। चलो जाके सुसू कर लेता हूँ। हे यार अकेले जाने में डर लगता है यार, भैया को बुलाता हूँ। हे भैया उठिए। और मुन्ना क्या हो गया, सुसू जाना है क्या? हाँ भैया आपको कैसे पता? और मुन्ना ये तो रहा बगल में बाथरूम। हे भैया यार चलो यहीं पे तो बाथरूम है, मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ। हे भैया बाहर ही खड़े रहिएगा। और मुन्ना यहीं पे तो हूँ मैं, कितना क्यों डरता है। हे भैया बाहर ही खड़े रहो। हे आप लोग क्या देख रहे हो, सुसू तो करने दो यार। हे भैया चलो सुसू हो गया यार मेरा। और मुन्ना चल ठीक है। और ये कैसी आवाज़ आ रही है? हे भैया यार ये ज़ॉम्बीज की आवाज़ कहाँ से आ रही है यार? मुन्ना बाहर थोड़ा छान मारते हैं, वैसे नींद बहुत आ रही है। मुन्ना सोने में भलाई थी। हे भैया यहाँ वहाँ तो आसपास कोई ज़ॉम्बी भी नज़र नहीं आ रहा है। मुन्ना मुझे भी नज़र नहीं आ रहा है, फिर ज़ॉम्बी यहाँ आसपास से कहाँ से आवाज़ आ रही है। चलो भैया थोड़ा इधर उधर देखते हैं, चलो बालकनी में चेक करते हैं। और ये क्या है, और ये क्या, और नीचे से तो नहीं आ रही आवाज़। नहीं भैया नीचे क्यों आएगी यार, नीचे तो पूरा सेफ है। और हाँ मुन्ना है, ये क्या है भैया, ये दरवाज़ा तो भैया सुबह तक नहीं था। और ये कौन सा दरवाज़ा है मुन्ना, कितना अजीब सा है, सुबह तक तो ये नहीं था, सुबह तो मुन्ना इधर पूरी दीवार थी। हे भैया ये कैसा दरवाज़ा है यार, अचानक से कहाँ से आ गया। और मुन्ना चल ठीक है मुन्ना, इसके बारे में रिसेप्शनिस्ट से बात करने चलते हैं। चल मुन्ना। हाँ भैया चलो उससे बात करते हैं। हे भैया यार चलो इधर तो पहुँच गए रिसेप्शनिस्ट। है ये क्या भैया, रिसेप्शनिस्ट तो इधर है ही नहीं। और ये क्या हो गया, दरवाज़ा भी खुला छोड़ के भाग गया। मुन्ना दरवाजे को बंद कर जल्दी। हाँ भैया कर दिया, देखो अब कोई इससे आर पार नहीं हो पाएगा। और ये ले मुन्ना दरवाज़ा बंद हो गया। मुन्ना ये रिसेप्शनिस्ट कहाँ गया, पता नहीं भैया होगा कहीं पे घूम रहा होगा। और चल ठीक है मुन्ना चलता हूँ मैं। हाँ भैया चलो चलते हैं यहाँ से हम लोग तो। और मुन्ना उस रूम को देखे क्या एक बार? है भैया नहीं यार अभी उसको चेक नहीं करेंगे। और मुन्ना चल ना चेक कर लेते हैं। हाँ भैया चलो एक काम करते हैं, चेक कर ही लेते हैं, इसको बंद कर दो भैया। और कर दिया मुन्ना। चल मुन्ना चेक करते हैं। और मुन्ना रेडी है ना? हाँ भैया रेडी हूँ, 1 2 3। ए बाप रे बाप, और ये क्या है, भागो यहाँ से। और भागो मुन्ना, ये क्या था? है बाप रे, ये क्या था भैया? और मुन्ना मेरे को डर लग रहा है, मुन्ना मुझे बहुत डर लग रहा है, मुन्ना मुझे बहुत डर लग रहा है। और मुन्ना चल जाके सो जाते शांति से। और मुन्ना वहाँ नहीं जाना बता रहा हूँ मैं। है भैया नहीं यार, चेक करते हैं ना एक बार फिर से, ये भैया हो सकता है कोई वहम हो हमारा। ओ मुन्ना चल ठीक है एक बार चेक करते हैं। और खुल जा गेट। है भैया मुझे तो डर लगने लगा है। ए भैया ये क्या है यार, ओ ये क्या है मुन्ना, है ये तो मरी हुई लाशें, खून, कॉबवेब्स। ये रूम तो सुबह तक नहीं था भैया इधर। ओए हाँ मुन्ना ये रूम तो सुबह तक इधर नहीं था। ओए मुन्ना चल आगे जाके चेक करते हैं इधर और कुछ मिल जाए तो। भैया मुझे तो डर लग रहा है यार इन मरी हुई लाशों से, कोई उठ के जिंदा हो गया तो वो तो हमें खा ही जाएगा भैया। ओए नहीं खाएगा मुन्ना, तेरा भैया तेरे साथ है। ए भैया आप तो खुद ही डर रहे हो। ए ये देखो भैया कितना खून वून पड़ा हुआ है, मकड़ी के जाले, कॉफिन वगैरह सब पड़ा है इधर। और ये कौन है? हे भैया ये कोई बेड में क्यों सोया हुआ है, और पता नहीं। और ये क्या उठ गया, कौन हो तुम लोग, कहाँ से आए हो? और तुम कौन हो? मेरा नाम है प्रोफेसर चिंटू। बच्चों अभी रात हो रही है, तुम्हें जाके सो जाना चाहिए। और वैसे तुम हो कौन वो तो बताओ। मुझे भी नींद आ रही है, मुझे भी सोने दो। और अपने टीचर को ज्यादा तंग मत करो वरना मैं रिसेप्शनिस्ट से कंप्लेंट करके तुम्हें इस होटल से निकलवा दूंगा। और तू हमारा टीचर कब से बन गया? निकल जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो, नींद आ रही है। और मुन्ना वैसे एरिया तो बहुत डरावना है मुन्ना,
ये इतने डरावने एरिया में सो कैसे रहा है? चल मुन्ना, कुछ नहीं कहते, पता चले हमें भी उठ के मारने लग जाए। चलो भैया शांति से निकल लेते हैं यार। और मुन्ना कितना डरावना एरिया है। चल मुन्ना चुपचाप निकल लेते हैं यहाँ से, सो जाते हैं जाकर। हाँ यार दोस्तों चलो जल्दी से जाकर यार चुपचाप सो जाते हैं यार, बहुत डरावना एरिया था यार। और मुन्ना चल ठीक है सो जाते, कल सुबह रिसेप्शनिस्ट से कंप्लेन करेंगे इस एरिया के बारे में। हाँ भैया गुड नाइट। और गुड नाइट मुन्ना। चल मुन्ना जल्दी से उस कल रात की सिचुएशन के बारे में मुन्ना इस रिसेप्शनिस्ट से कंप्लेन करते हैं। और सुन ले इधर, क्या हुआ सर, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? और मदद वदद नहीं करनी, हम कंप्लेन करने आए हैं। क्या हुआ सर, हमारी होटल में आपको क्या खराबी लगी? और रात में वहाँ पे हमें कमरा मिला था जिसके ब्लू कलर के दरवाजे थे, उसके अंदर गए तो वहाँ पे खून खराबा और एक बहुत ज़्यादा हड्डी वड्डी भी पड़ी हुई थी, मरी हुई लाशें थी और खून वून हर जगह पड़ा हुआ था, कॉप वेब वगैरह। वहाँ पे एक विलेजर भी था चिंटू सर, उसने बोला था कि यहाँ से चले जाओ। क्या चिंटू? चिंटू कौन है इधर? चिंटू तो हमारे यहाँ होटल में कोई नहीं है। मतलब क्या है तेरा? क्या हुआ सर, लगता है आप कल रात में ज़्यादा थक गए थे। क्या लगता है कि आपको वहाँ पे वहम आया था? और नहीं, ऊपर एक दरवाजा है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो सर मुझे दिखाओ वो दरवाजा कहाँ है। और चल जल्दी आभार। हाँ सर मैं आ रहा हूँ, आप चलिए चलिए सर मुझे दिखाइए वो दरवाजा कहाँ है। और चल जल्दी से। और चल मुन्ना, इतने में तो वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पहुँच चुका होगा। हाँ भैया चलो मूत के यार है, ये क्या रिसेप्शनिस्ट इधर आएगी? है ये बच्चा कहाँ से है भैया? हाँ सर आप दिखाइए मुझे कहाँ पर है वो दरवाजा। और मुन्ना वो दरवाजा तो कल रात को इधर ही था। हाँ भैया यार वो दरवाजा तो कल रात को इधर ही था यार। सर लगता है आपको कल रात को वहम हुआ है, इधर को तो कोई दरवाजा नहीं है, ना इधर कोई रूम बनाया गया है। ओए मुन्ना ऐसे तो हो नहीं सकता, मतलब कल रात को वो मेरा सपना था। नहीं भैया वो सपना तो नहीं हो सकता भैया, वो चिंटू सर और वो मरी हुई लाशें, वो हड्डियाँ, वो कमरा, वो कहाँ गया भैया सारा? ओए मुन्ना पता नहीं कहाँ गया, और लगता है कल हमें वहम हुआ होगा। हाँ भैया यार है ये क्या भैया, ये बच्चा इधर क्या कर रहा है? अरे अंकल मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और क्या कहना चाहता है? मैंने इस होटल के बारे में एक भयंकर कहानी सुनी है कि इधर एक कमरा आता है हर एक साल में, और जिसको भी वो दिखता है वो बहुत ज़्यादा लकी होता है, और हर एक साल में वो कमरा एक ही बार आता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। और ये क्या बात कर रहा है मुन्ना? पता नहीं भैया। और उस कमरे का नाम है द खूनी कमरा। और ये कैसा नाम है, द खूनी कमरा? हे भैया हो सकता है इसकी बात सच हो। हाँ सर मैं सच बात, साल एक कमरा आता है और वो बहुत ही ज़्यादा लकी लोगों को ही दिखता है, और अगले दिन वो कमरा गायब हो जाता है। और मतलब हम लकी हैं और हमें वो कमरा दिखा था, पर भैया यार ये तो एक मिस्ट्री ही रह गई ना कि सच में वो कमरा था कि नहीं। ओए मुन्ना मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो कमरा गायब हो गया। सर लगता है आपको कल वहम हुआ था, इसलिए आप एक काम करिए जाके रेस्ट कर लीजिए। ओए चल ठीक है मुन्ना, मुझे लग रहा है कि कल हमें वहम हुआ था, पर मुन्ना मैं कैसे भूल जाऊँ मुन्ना उस बात को, वो कितनी अजीब घटना थी। एक काम करिए अंकल आप जाके सो जाइए, लगता है आप बीमार हों। और तू निकल ले यहाँ से। अरे सर मार के रहे हो, और तब दिमाग ख़राब करेगा तो मारूंगा। चल मुन्ना सो जाते हैं, लगता है हमारा वहम था। चलो फिर भैया सो जाते हैं यार। अगर वो सब झूठ था तो क्या था वो कमरा, और क्या थी वो डेड बॉडीज, और क्या थे वो चिंटू सर जिन्होंने ऑगी और चेक को वहाँ से जाने के लिए बोला? तो ये सब बात जानेंगे हम पार्ट 2 में।